जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि पेयर टैग क्या होते हैं और सिंगुलर टैग क्या होते हैं। मैंने आपको कल यहाँ पे देखें ये HTML किया हमने, HTML यहाँ पे भी HTML, ये बैक स्लैश के साथ इसको क्लोज किया। ये बॉडी है, यहाँ पे भी हमारे पास बॉडी और इसको भी हमने टैग के साथ बैक स्लैश के साथ क्लोज किया। ये H1 बैक स्लैश के साथ क्लोज और वहाँ पे H, यहाँ पे ये हमारे पास टाइटल, ये टाइटल यहाँ पे और ये वाला टाइटल बैक स्लैश के साथ बंद है, क्लोज है, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल टाइटल में। तो ये जितने भी अभी तक मैंने आपको काउंट करवाए हैं ये सारे के सारे हमारे पास हैं पेयर्ड टैग। ये भी हमारे पास, ये देखें ये पेयर बन रहा है पैराग्राफ का पी और उधर से भी पी का हमारे पास यहाँ पे टैब बन रहा है, वो पेयर बन रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे एक HR, मैं HR का टैग देता हूँ। HR देने के बाद मैं इसको करता हूँ एंटर। ये मेरा HR का जो टैग है ये एक सिंगुलर टैग है, इसको किसी भी जगह पे किसी चीज़ की, मतलब किसी और टैग की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे अपने एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको BR का एक टैग दूं, तो BR के बाद मैं इसको करता हूं एंटर करूं, एंटर ना भी करूं तो ये मेरे पास उस लाइन को ब्रेक करके वहां पे जब टेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, जब मैं आपको आउटपुट शो करवाऊंगा तो ये शो होने के बाद ये हमारे पास BR जो है ये बिल्कुल ही वहाँ से इसने सारी की सारी लाइन को ब्रेक करके इसने बिल्कुल नीचे आ जाना है, और नीचे आते ही इसने वहाँ पे शो हो जाना है। इस मतलब ये न्यू लाइन पे हमारे पास इसका ही आउटपुट शो होगी। अभी इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, और मैं जाता हूँ अपने इस वाले जो मैंने यहाँ पे वो बनाया था आपके सामने 9 का, ये देखें मैं इसको शो करता हूँ। अभी ये मेरे पास शो होगा, ओपन होते ही आपके सामने जो ये आएगा, तो अभी कुछ टाइम लेगा अभी ये मेरे पास। तो यहाँ पे ये देखें सारे का सारा मैंने आपको पेयर टैग, दो तरह के टैग हम लोग यूज़ करते हैं HTML में। एक होते हैं पेयर्ड, पेयर्ड मतलब जो पेयर बना के हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि HTML और बैक स्लैश HTML। और पेयर की एक निशानी ये भी होती है कि जहाँ पे हम लोग जब पेयर को स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड भी लाजमी करना पड़ता है हमें। और जब हमारे पास आते हैं सिंगुलर टैग, सिंगुलर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको ना तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना होता है, उनको क्लोज करने का हमारे पास कोई ना तो कोई वजह होती है और ना ही कोई वहाँ पे हमारे पास उसको क्लोज भी नहीं करना होता हमने। वो क्लोजिंग और एंडिंग और स्टार्टिंग वो सारा कुछ उसमें, वो एक ही जो टैग लाइन हम लोग लिखते हैं उसी लाइन के अंदर, या जो टैग वर्ड लिखते हैं उसी टैग वर्ड के अंदर वो सारे का सारा हमारे पास चल रहा होता है। तो ये अभी देखें, ये मैंने HR की वजह से ये हमारे पास से इसकी यहाँ पे ये आ गया, HR की वजह से ये लाइन आ गई। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखें यहाँ पे ये दिस, ये बिल्कुल उसी BR के बाद आ गई। अगर मैं आपको यहाँ पे HR को ख़त्म करके दिखाऊं, मैं यहाँ से करता हूँ HR को ख़त्म, ये लें जी मैंने HR को ख़त्म कर दिया। और ये BR भी अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये देखें ये चाहे लाइन में इधर ही रखूं, मैं इसको करता हूं सेव। सेव करने के बाद मैं यहां पे जाके इसको करता हूं रिफ्रेश, ये देखें वो सारी की सारी चेंजिंग ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मैं अगेन कंट्रोल जी से यहां पे वो सारी चेंजिंग करता हूं तो आपके सामने यहां पे क्या आएगा, मैं ये स्पेस नहीं देता, मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आके करता हूँ, ये देखें मेरे पास वो सेम सारा कुछ आ गया, यहाँ पे लाइन भी शो हो रही है और इसके बाद वाला पैराग्राफ भी मेरे पास हुआ वो लाइन। हालांकि यहाँ पे ये देखें लाइन में मैंने कोई भी स्पेस या कोई भी एंटर प्रेस नहीं किया, मगर यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ शो हो रही है वो इसके फ़ौरन इस पैराग्राफ के फ़ौरन नीचे, ये देखें हमारे पास
न्यू लाइन में जाके वो पैराग्राफ लाइन को ब्रेक करके वो नीचे वाली लाइन पे पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये यह देखें, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ बी आर, तो मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास वहाँ से फिर उसने एक लाइन को छोड़ा और वो हमारे पास नीचे एक और जगह पे शो हो रहा है। तो मैंने आपको बी आर आज पेयर और सिंगुलर टैग का बताया। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई सुजेशन हो तो वो आप सुजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई आप वीडियो मतलब कोई और टॉपिक बताना चाहते हो कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी चाहिए या देखनी आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।